मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज गणेश उत्सव का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। आपको बता दें कि गणपति बप्पा की 10 दिन पूजा आरती करने के बाद 11वें दिन गणपति बप्पा को विसर्जन किया जाता है। मुंब्रा शहर में भी गणपति बप्पा की मनमोहक प्रतिमाएं देखने को मिली। वहीं मुंब्रा के रेती बंदर में गणपति बप्पा को लोगों ने विसर्जन किया। विसर्जन के साथ मंगल मूर्ति भगवान गणेश की विदाई दी और उनसे अगले बरस जल्दी आने का वादा भी लिया गया। इस दौरान रेती बंदर में हजारों की तादाद में लोग गणपति बप्पा के विसर्जन में मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज गणपति विसर्जन था तो इस मौके पर आप लोग क्या कहें? सबसे पहले सबको नमस्कार, सबको मेरा गणपति बप्पा मोरिया और अगले बरस फिर जल्दी आ। हमारे यहाँ पर इसमें मुस्लिम होस्ती होने के बावजूद भी हम यह त्यौहार मनाते हैं। ये हमारा 43 ईयर्स राजकुमार मित्र मंडल का सबसे पहले पुराना गणपति मुंब्रा का है और उसमें हिंदू और मुस्लिम साथ में करके ये संगोरम भी साथ में है। वो एकजुटता से संदेश देते हैं कि भाई हम सब एक है। जिस तरह से यहाँ पर आज विसर्जन किया गया है तो आप लोगों की क्या उम्मीदें थी गणपति बप्पा से, क्या मन्नतें मांगी थी आप? बस अभी 43 ईयर्स हमारा चल रहा है ये मुंब्रा का राजा का 50 तक आ जाए ये उम्मीद हमारी है। और जैसे हिंदू मुस्लिम हम सब एक है तो हमेशा एक ही रहना चाहिए। आपने क्या गणपति बप्पा से क्या ऐसा कुछ अपने लिए खास मांगा है जो 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद आज यहाँ घाट पर जो विसर्जन किया गया है? गणपति बप्पा से एक ही दुआ मांगता हूँ कि जैसा गए साल गया कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही अगले साल आ रहा है वो भी ऐसा ही जावे, यही उनकी तरफ से शुभकामना। जैसे इन्होंने बताया कि बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो गणपति विसर्जन है वो आज यहाँ पर हुआ है तो गणपति बप्पा जैसे आए थे वैसे ही जाए और अगले साल भी वैसे ही आए और हम लोग को बहुत खुशी होती है। गणपति बप्पा जाते थे खुशी से गए, हम चाहते अगले साल जल्दी आए बस हमेशा। इस तरह से यहाँ पर आज विसर्जन किया गया और फिर अगले साल आने की जो है एक वादा किया गया है कि अगले साल फिर आना तो क्या आप इस पर कहेंगे? यही कहूँगा कि सब लोग मिलते हैं एक साथ त्यौहार में, भाईचारे से अपना त्यौहार मनाते हैं, मिलते हैं, अपनी खुशी गम बांटते हैं, एक साथ मिलके हंसते हैं गाते हैं। तो हर साल यही मांगते हैं हम कि सब लोग एक साथ मिले, त्यौहार व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ शांति से हो जाए, एकजुटता से भाईचारे के साथ सब त्यौहार खुशी से समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है यहाँ पर कोई रहता नहीं, अभी यहाँ पर कोई डुम्बुली, कोई थाना, कोई मुलून, कोई बदला, कोई रहता नहीं यहाँ पर। फिर भी वो वक्त एक हमारे बप्पा आ रहे उस मिलते हैं और उस विद फैमिली हमारी माँ हो बहन हो सब लोग आके मिल जाते हैं, एक जश्न मनता है, खुशियाँ होती है। यानी ये त्यौहार आता है तो कोई परिवार का कहीं भी रहे वो अपने घर आ जाते सब आ कहीं पर हो, किसी कोने में हो, किसी बहुत लंबे में हो, कहीं किसी ऑटो इंडिया से भी आए हुए हैं, बप्पा मोरिया बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आज यहाँ पर विसर्जन था तो पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त किया गया था वो किस तरह का था, आप लोगों को क्या लगा? जी उनका तो सहकर्य आज से नहीं काफी सालों से है और सेकंड में बाबा जी काकड़े साहब जो यहाँ पर है जो आज से नहीं हमारा कम से कम 35 ईयर जिससे स्थापना हुई तभी से यहाँ पर, क्योंकि तो कीचड़ था पहले यहाँ पर, ये बहुत यहाँ पर गणपतिशन करेगा हमको लगता था 3 घंटा, आपको यकीन नहीं आएगा 3 घंटा लगता था, कीचड़ वगैरह थे, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है और उनका कॉपरेट परिसर था आगे भी रहेगा ये उम्मीद रखते हैं हम। साल काफी साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल सर बिल्कुल हमेशा रहती है पुलिस लोग, उनकी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं होती कि कुछ तकलीफ हमें हो। गणपति बप्पा को लोगों ने विसर्जन किया, लोगों ने बताया कि बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से ये त्यौहार मनाया गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि रेती बंदर पर विसर्जन के लिए जो घाट बनाया गया था वहां पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।